दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज़। 125 रुपये में सत्यनारायण की कथा कहने वाले और 101 रुपये में विवाह करवाने वाले ब्राह्मणों को मनुवादी और ब्राह्मणवादी शोषक लुटेरा कहने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन पिछले 100 सालों में ही कम से कम 3 बार ब्राह्मणों के नरसंहार पर बोलने वाले बहुत कम ही मिलेंगे। जब 1920 में मोपला दंगों के दौरान नंबूदरी ब्राह्मणों का कत्ल किया जा रहा था, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और उनकी औरतों के साथ बलात्कार हो रहे थे, उस वक्त हमारे बापू ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का भजन गाकर तुर्की के पदच्युत खलीफा के समर्थन में देश के मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। जब बापू की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी तो उसके जवाब में गांधीवादियों ने लगभग 8000 चित्त पावन ब्राह्मणों की सामूहिक हत्या कर दी थी। तो उस वक्त नेहरू जी देश में सेकुलरिज्म के कीड़े से रेशमी टोपी निकालकर अबुल कलाम आज़ाद को पहना रहे थे। जब कश्मीर में सूफीवादी कश्मीरियत और जमहूरियत के पुरोधा कश्मीरी ब्राह्मणों का सरेआम कत्लेआम कर रहे थे, उन्हें कश्मीर से भगा रहे थे, तो उस वक्त प्रधानमंत्री वीपी सिंह मंडल में कमंडल का तोड़ ढूंढने में व्यस्त थे। शायद दुनिया में यहूदियों के बाद अगर किसी जाति का ऐसे अनेकों बार सामूहिक नरसंहार किया गया तो वो जाति ब्राह्मण ही रही है। इसके उल्लेख पुराणों और महाकाव्यों में भी मिलते हैं। महाभारत में जब हय वंश के राजाओं ने भार्गव ब्राह्मणों का नरसंहार शुरू किया तो आखिरकार ब्राह्मण परशुराम को अपना फरसा उठाना ही पड़ा और अत्याचारी क्षत्रियों से इस धरती को विहीन करना पड़ा था। निर्बल के बलराम भी सीता हरण से बहुत पहले ही राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा लेते हैं। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में जब राम ऋषि सुतीक्ष्ण के आश्रम से विदा लेते हैं तो वहां मौजूद ब्राह्मण ऋषिगण उन्हें दंडकारण्य में फैले मृत ब्राह्मणों की अस्थियां दिखाते हैं और बताते हैं कि रावण के नेतृत्व में राक्षसों ने कैसे ब्राह्मणों को अपना निशाना बनाया है और उनका सामूहिक नरसंहार करते हैं। विचलित राम राक्षसों के पूर्ण संहार की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। जब सीता माता उनसे कहती हैं कि जब आपकी सीधी दुश्मनी राक्षसों से नहीं है तो आपने ये प्रतिज्ञा क्यों ले ली, इसका दुष्परिणाम भयावह हो सकता है, तो इस पर राम कहते हैं, अपि अहम जीवितम जम्हाम त्वाम वासीते स लक्ष्मणाम न तु प्रतिज्ञाम संसुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। अर्थात सीते, मैं अपना जीवन त्याग सकता हूँ, तुम्हें और लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन पीड़ित ब्राह्मणों को दिए अपने वचन को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। हालांकि सीता की भविष्यवाणी सही साबित हुई और राम की इस प्रतिज्ञा का परिणाम रावण द्वारा सीता हरण में दिखा। तुलसी के राम भी गो द्विज धेनु देव हितकारी कहे गए, तो कहीं न कहीं समाज में राक्षसी प्रवृत्तियों के उदय की पहचान ब्राह्मणों गायों पर अत्याचार ही रहे होंगे। तभी श्री कृष्ण भी महाभारत में भगवान शिव से तपस्या के बाद यही वरदान मांगते हैं कि वो ब्राह्मणों की रक्षा कर सके। जब राक्षसी प्रवृत्तियों का उदय गजनी के हमले से शुरू होता है तो सोमनाथ में 50,000 से ज़्यादा ब्राह्मणों का सामूहिक नरसंहार होता है। जब औरंगजेब मथुरा और काशी के मंदिरों को तोड़ता है तो हजारों ब्राह्मणों का नरसंहार होता है। कहा जाता है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने के विरोध में खड़े ब्राह्मणों की मौत के बाद उनके जनेऊ को जब तौला गया तो वो करीब 60 मन निकला था। दोस्तों, आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हमारी खबर पर बने रहने के लिए धन्यवाद।